चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले, तू पंख चाहे शमा जले या ना जले, शमा जले या ना जले, तू पंख। लेजेंड्स के दर्शकों का को मेरा यानी के अमरजीत सिंह कोहली का नमस्कार। मैं विनोद विप्लव जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज मेरे को मौका दिया आपके आपसे कुछ बातें शेयर करने का। जैसे कि ग्रेट लीजेंड्स में पुरानी फिल्मी लीजेंड्स के बारे में बताई जाती हैं बातें, और उन लोगों को बुलाया जाता है जो उन ग्रेट लीजेंड्स के साथ मिले हों, और उनसे पूछा जाता है। तो इससे आने वाली नई पीढ़ी को भी पता लग जाता है गुजरे वक्त की कुछ बातें। मैं भी पुराने वक्त में बहुत लोगों से मिला हूं, और शायद इसीलिए बुलाया गया है। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि पेशे से तो मैं एक डिग्री होल्डर हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस से एक ऊंचे पद से रिटायर हुआ हूं, और अब अपना एक और बिजनेस भी है। लेकिन ज्यादातर लोग मुझे मेरी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले 54 सालों से स्टेज के म्यूजिकल प्रोग्राम्स और फिल्म स्टार के अवार्ड्स फंक्शन करता रहा हूं। आज मैं आपसे रफी जी और राज कपूर जी की आपस में कुछ जुड़ी बातों से जुड़े गानों की बात करूंगा, क्योंकि मैं इन दोनों को भी मिल चुका हूं। अब राज कपूर जी के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि उनके ऊपर जो भी गाने उन पे फिल्माए गए हैं वो मुकेश जी ने ही गाए हैं, ये कई लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 25 गानों की लिस्ट तो मेरे पास है जिसमें राज कपूर जी के ऊपर फिल्माए गानों को रफी जी ने गाया है। वैसे तो राज कपूर जी रफी जी को बहुत पसंद करते थे, और रफी जी अक्सर उनके स्टूडियोज आरके स्टूडियोज में जाया करते थे। जब राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग 1948 में बनाई तो उसमें मुकेश जी के गाने तो थे ही, लेकिन रफी जी से भी एक गाना गवाया गया था 16 बरस की, और ये एक रफी और शमशाद जी का डुएट था जो फिल्माया गया तो किसी और पे और नरगिस पे था, लेकिन राज कपूर जी दिखाया जाता है उसमें कि वो एक शो में आए हुए हैं और वो इस शो को देख रहे हैं, उनकी शक्ल भी आ रही है। राज कपूर जी की अगली फिल्म थी बरसात, तो उसमें भी मुकेश जी के गाने थे, लेकिन एक गाना था जो एक अलग ढंग का गाना था, और वो गाना रफी जी ने गाया था। वो गाना था मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। ये 1949 की बात है, और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे। इसके बाद 1949 में ही एक बहुत बड़ी फिल्म आई अंदाज। अंदाज में हीरो दिलीप कुमार, राज कपूर और हीरोइन नरगिस थी, म्यूजिक नौशाद साहब का था। तो उस फिल्म में मुकेश जी ने जो गाने गाए थे वो ज्यादातर सभी गाने दिलीप कुमार पे फिल्माए गए थे, लेकिन राज कपूर जी के ऊपर और राज कपूर और नरगिस के ऊपर एक जो डुएट था वो रफी और लता जी ने गाया था। वो डुएट था यूं तो बिगड़ते हैं खफा होते हैं, और ये राज कपूर और नरगिस पे फिल्माया गया था। और एक और डुएट था जिसको बाद में रिकॉर्ड तो किया गया था पर फिल्म में से काट दिया गया था, और वो था सुन लो दिल का अफसाना। ये 1949 की बात है। अब आते हैं सन 1950 पे। 1950 में दो फिल्में बनी थी जो राज कपूर जिसमें थे, एक थी दास्तान और दूसरी थी सरगम।
जो फिल्म दास्तान पीठ थी उसमें भी म्यूजिक नौशाद जी का था और उसमें हीरोइन थी सुरैया। तो सुरैया और राज कपूर जी के तीन गाने फिल्माए गए थे और उनको गाया था रफी जी ने और सुरैया जी ने। एक डुएट तो बहुत मशहूर हुआ था तारा री एक बड़ी अलग तरह की धुन है और वो उसको शायद रफी जी ही बहुत बढ़िया निभा सकते थे जिस तरह की वो धुन बनाई थी नौशाद साहब ने। इसके अलावा और भी दो डुएट्स थे, दिल धड़क धड़क दिल धड़के और दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, ये भी सुरैया के साथ डुएट था। और फिल्म सरगम जो कि 1950 में बनी थी और म्यूजिक डायरेक्टर थे सी रामचंद्र, सी रामचंद्र जी ने भी रफी जी से गवाया था मैं हूं अल्लादीन, एक सोलो था। और ये दूसरा जो गाना था एक तीन लोगों ने गाया था, रफी जी थे, सी रामचंद्र खुद चितलकर के नाम से। और इसमें जो गाना था बहुत ही मजाकिया टाइप का था, बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये भी अपने वक्त में ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद आई फिल्म अंबर 1952 में, जिनका म्यूजिक भी नौशाद जी ने दिया था और इसमें भी तीन गाने रफी जी ने गाए थे और जो के राज कपूर जी पे फिल्माए गए थे। एक डुएट था हम तुम ये बहार लता जी के साथ में और एक शमशाद जी के साथ में धूम धड़ाका, और एक सोलो भी था चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हजूर। और अगले साल 1953 में फिल्म आई पापी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एस महेंद्र और हीरोइन थी मधुबाला। इसमें भी एस महेंद्र जी ने तीन गाने बनाए जो राज कपूर जी के ऊपर फिल्माए गए थे। और एक गाना था तेरा काम है जलना परवाने, सोलो गाना था। एक और गाना था सोलो चूड़ियां ले ले गोरी, और एक डुएट था मेरी जिंदगी है तू जो के आशा भोंसले और रफी जी ने गाया था और ये फिल्माया गया था राज कपूर और मधुपाला पे। अब आती है फिल्म बारी आती है फिल्म दो उस्ताद की, और ये एक बहुत रोचक कहानी है। फिल्म दो उस्ताद के प्रोड्यूसर थे शेख मुख्तार, लिरिक्स राइटर थे कमर जलालाबादी और म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर। तो ओपी नैयर ने इस फिल्म के लिए बहुत सुंदर धुने बनाई, 7-8 गाने थे उसमें। और राज कपूर जी को ने आके वो धुने सुनी और बहुत खुश हुए, ओपी बहुत बढ़िया धुने बनाई हैं, चलो इसको जल्दी ही मुकेश जी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये राज कपूर ने ओपी नैयर को कहा, लेकिन ओपी नैयर ने फटाक से जवाब दिया राज साहब ये गाने रफी जी गाएंगे, मुकेश नहीं गाएंगे। राज कपूर ने कोशिश तो की लेकिन ओपी नैयर कहां मानने वाले थे, और फिर उन्होंने उन गानों की धुने ही ऐसी बनाई थी जो रफी जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह वो गा सकते थे। तो वो धुने में कुछ आपको वो गाने भी बताता हूं जो बहुत मशहूर हुए थे। एक गाना था तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है किराया कितना, ये आशा भोंसले और रफी जी ने गाया था। और एक और मशहूर गाना हुआ था अपने वक्त का, वो था नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8-9-10, ये भी डुएट था आशा जी के साथ में। एक और डुएट था तू लड़की मैं लड़का तेरे को देख कलेजा धड़का। एक चौथा डुएट था रुक 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 कहां चली दीवानी कोई रोके ओके। और एक और बहुत मशहूर डुएट था हम पे दिल आया तो
बोलो क्या करोगे। तो इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, राज कपूर जी के ऊपर फिल्माए गए थे और रफी जी ने गाए थे। और हालांकि इस बात से राज कपूर मेरे ख्याल से कुछ खफा से भी हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा उपी नेर के साथ कभी काम नहीं किया है। इसके बाद में, ये तो बात थी 1959 की, उसके बाद अगले साल फिल्म आई छलिया, जिसमें ज्यादातर गाने तो मुकेश जी ने ही गाए थे, लेकिन एक गाने पे अटक गए तो कल्याण जी ने वो गाना रफी जी से गवाया, और वो गाना था गली गली सीता रोए, राज कपूर जी पे फिल्माया गया था। और उससे अगले साल नजराना 1961 में आई, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि। तो उस फिल्म का एक गाना तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ना सुना होगा, बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी, अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध गाना राज कपूर जी के ऊपर। और आखिर में मैं फिल्म मेरा नाम जोकर की बात करता हूं, जो 1970 को बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, सारे गाने मुकेश जी ने गाए थे, लेकिन एक बहुत टेढ़ा गाना था, तो उसके लिए फिर रफी जी की शरण लेनी पड़ी। और वो गाना हीर का था, सदके हीर तुझ पे हम फकीर। तो ऐसा नहीं है कि जो धारणा है कि रफी जी ने ज्यादा गाने तो नहीं गाए, लेकिन रफी जी ने ये कम से कम 25 गाने तो मैं गिना चुका हूं, इसके अलावा कई और गाने होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राज कपूर जी रफी जी की बहुत इज्जत करते थे, और आर के स्टूडियोज में जो भी फंक्शन हुआ करते थे उसमें वो जाया करते थे। एक बात और बताता हूं जो मेरी आंखों के सामने देखी हुई है। बहुत साल पहले दिल्ली में रफी जी के गानों को लेके 31 जुलाई को एक म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ था, उसमें राज कपूर जी की बड़ी बेटी ऋतु नंदा चीफ गेस्ट थी। तो ऋतु नंदा ने जब अपने भाषण में ये कहा कि रफी जी के बारे में उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, गायक तो थे ही, और एक बात उन्होंने कहा कि मैं उनकी वो बात तो कभी भूल ही नहीं सकती। वो बात क्या थी? बात ये थी कि जब ऋतु की शादी हुई, डोली जा रही थी, तो राज कपूर जी ने रफी जी को बुलाया, और जब डोली जा रही थी उस वक्त रफी जी ने वो गाना गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो एक बड़ा इमोशनल सीन था, और वहां पे खड़े ऋतु जी ने बताया कि सारे लोग रो रहे थे और वो खुद भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो ये है एक राज कपूर जी के और रफी जी की बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। ये कुछ ऐसी मेरी पुरानी यादें हैं जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ रफी जी के साथ राज कपूर जी की और कुछ राज कपूर जी के साथ। तो ग्रेट लेजेंड्स के दर्शकों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मेरी बातें सुनी। अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो आप ग्रेट लेजेंड्स को लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि विनोद विप्लव जी इस तरह का कार्यक्रम करते हैं जिसमें पुरानी फिल्मी हस्तियों के बारे में बताया जाता है, ग्रेट लेजेंड्स के बारे में बताया जाता है, और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।